स्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है। जनपद में ग्राम प्रधान पद के लिए 1294 सीटों पर होने वाले चुनाव में बुधवार तक 8000 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। वहीं जिला पंचायत के 68 सीटों के लिए अब तक 1326 लोगों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 8500 तथा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 6500 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 3 और 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा तथा 15 अप्रैल को मतदान तथा 2 मई को मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। क्या नाम था? चलो अपना अगले बताओ। वार्ड नंबर 1 का जो अवनीश है। वार्ड नंबर क्या है? 39। अवनींद्र पकड़े। हाँ, नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आपने वो नोटिस लिया है। ये फॉर्म का दाम है भैया, ये चढ़ा हो तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जैसा कि विदित है कि जिस दिन आचार संहिता लगाई गई थी उसके अधिसूचना जारी की गई थी, उसके अगले दिन से ही नामांकन पत्रों की बिक्री आरंभ हो गई है। अभी तक ग्राम प्रधान के चुनाव से संबंधित लगभग 8000 से अधिक नामांकन पत्र की बिक्री हो चुकी है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत से भी लगभग 8500 से अधिक इसकी बिक्री हो चुकी है नामांकन पत्रों की। और जहाँ तक ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं वार्ड के उसके संबंध है तो उसके लिए भी लगभग 6500 से अधिक नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है आज के दिन में। इसके अलावा जिला पंचायत वार्ड के 1326 जो है नामांकन पत्रों की बिक्री अभी तक हो चुकी है। अभी आज 31 है। इसके अलावा भी अभी जिस दिन तक नामांकन पत्र नामांकन दाखिल होता है 4 तक, उस दिन तक नामांकन पत्र खरीद करके कोई भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। तो अभी ये संख्या और बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि जैसे लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा के तहत बहुत अच्छी वोटिंग होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की जो तिथि है 3 और 4 है, उसके बाद 5 और 6 को जो है नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। 7 को नाम वापस लेने का है, कोई अगर नामांकन अपना वापस लेना चाहता है 7 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकता है। और उसी दिन 7 अप्रैल को 3 बजे के बाद सायंकाल में नामांकन वापस लेने के बाद जो भी कैंडिडेट बच जाएंगे उन सबों को प्रतीक चिन्ह जो होता है चुनाव चिन्ह जो है उसको आवंटित किया जाएगा। और 15 अप्रैल को जैसा कि आपको ज्ञात है कि गोरखपुर में प्रथम फेज में ही इसका चुनाव है और 2 मई को इसकी वोटिंग की गिनती होगी।